खेती जो है भारत का मुख्य व्यवसाय है, पूरी इंडिया की इकोनॉमी खेती पर आधारित है। लेकिन किसानों की जो हालात हैं पूरे भारत में बहुत ही दयनीय है। किसान खेती से मुनाफे की बजाय नुकसान ज़्यादा झेल रहे हैं, क्योंकि फसलों में बीमारी आ जाती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती है, तो नेचुरल घटनाएं भी उसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जिस तरह से पेस्टिसाइड और इन चीज़ों का उपयोग बढ़ा है, कहीं ना कहीं खेती से किसानों को मुनाफे की बजाय नुकसान ज़्यादा होने लगा है, कि जो छोटे किसान हैं उनको खासकर। अब छोटे किसानों के लिए कई चीज़ें सामने आती हैं, जो आज जो सबसे हॉट टॉपिक है, और रैबिट फार्मिंग, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया पर फैल चुका है, छोटे किसान के लिए वो करना संभव भी नहीं है। छोटे किसान के लिए जिस चीज़ का आज क्रेज बढ़ गया है, वो है रैबिट फार्मिंग। रैबिट फार्मिंग से छोटे किसान अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे से सिस्टम के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर, थोड़े पैसे के साथ अपना जो है बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान की संभावनाएं बहुत ही कम है। देखिए, हर काम में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, क्योंकि बीमारी किस टाइम आ जाए किसी को पता नहीं होता, नेचुरल घटनाएं किस टाइम हो जाते हैं क्या नहीं। लेकिन फिर भी रैबिट फार्मिंग में नुकसान की संभावनाएं बहुत ही कम है। एक छोटा किसान कैसे बेरोजगारी को मात देकर एक अपना खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है, रैबिट फार्मिंग कैसे शुरू कर सकता है, उसके बारे में हम बिल्कुल थोड़े समय में आपको पूरी जानकारी देंगे। हर एक सवाल आपका इस पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने खुद का रैबिट फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ आस्था रैबिट फार्मिंग से दीपक जी हैं। दीपक जी काफ़ी लंबे समय से जो है रैबिट फार्मिंग के व्यवसाय में हैं, लोगों को, नए किसानों को खासकर वो सपोर्ट भी उपलब्ध करवाते हैं कि कैसे रैबिट फार्मिंग वो शुरू कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वो पूरा सपोर्ट किसानों को करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण तक वो देते हैं। इनके खुद के कई रैबिट फार्म्स हैं, उन पर भी किसान आते रहते हैं इस जानकारी के लिए। पूरे भारत की बात की जाए तो करीब सैकड़ों किसानों को इन्होंने सपोर्ट किया है, नए फार्म खुलवाने में उनकी मदद की है। दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपसे हम आज जानेंगे कि कैसे एक किसान, जो नया किसान है, वो रैबिट फार्मिंग को शुरू कर सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए, रैबिट फार्मिंग है क्या चीज़? मैं बता देता हूँ, जिस तरह नु लगा लो लोग अपने, तकरीबन हरियाणा भी हुआ, इंडिया, पूरा इंडिया में ही कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हमारे नु लगा लो नॉर्मल फार्मिंग होती है, जिस तरह भैंस को पालते हैं, गाय को पालते हैं, बकरी हो गया, अपने सुअर का हो गया, हर तरह की फार्मिंग है, गोट फार्मिंग। और मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, उसी तरह फार्मिंग है रैबिट फार्मिंग। रैबिट फार्मिंग के लिए नोल गा लो, ये मेन चीज़ है कि आज के टाइम में सबसे जो टॉप में चल रहा है रैबिट फार्मिंग चल रही है। रैबिट फार्मिंग एक किसान है, क्योंकि आपको भी पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, छोटे किसानों को खेती में कुछ ज़्यादा सा मुनाफा नहीं हो पाता, तो छोटे किसान हैं वो सोच रहे हैं रैबिट फार्मिंग के, क्या रैबिट फार्मिंग उनको करनी चाहिए? जैसे लोगों को के अलावा मेरे ख्याल से इससे अच्छा व्यवसाय हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि देखो, बिल्कुल छोटा किसान तो रैबिट फार्मिंग नहीं कर सकता जी, क्योंकि रैबिट फार्मिंग में जो खर्चा है वो जी आपका नो लगा लो, अगर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी वो करता है तो कम से कम 6 लाख रुपया खर्चा है जी, तो बिल्कुल छोटा किसान तो कर ही नहीं सकता जी। हाँ, लेकिन बाकी ये है कि किसान जो मेहनत खेती में करता है उसकी बजाय नो लगा लो इसमें मेहनत बहुत कम है। तो एक किसान को रैबिट फार्मिंग शुरू करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको शुरुआत से लेकर करनी मैं बता पड़ती देता हैं? हूँ, प्रॉपर तो होनी चाहिए उसके पास सारी जानकारियाँ, जी जानकारियाँ, जैसे नो लगा लो, पहले तो नो लगा लो कंपनी क्या है जिससे वो जुड़ रहा है, काम कर रहा है, जी वो कंपनी कितनी पुरानी है, क्या उसका मतलब सर्विस कैसे देती है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी जरूरी चाहिए। उसके आप हेड ऑफिस जाओ, उसके बारे में जानकारी लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अपना प्रॉपर मन बनाओ कि मेरे को रैबिट फार्मिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद नो लगा लो तीसरी चीज़ है कि नो लगा लो आपके पास प्रॉपर जगह होनी चाहिए, 10 यूनिट या 12 यूनिट के लिए 2000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है कम से कम। तो 10 से 12 हज़ार उसको जगह चाहिए, जगह के बाद 2000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट जी। तो 2000 स्क्वायर फीट जगह तय करने के बाद उसको
जानकारी लेनी चाहिए कैसे रैबिट फार्मिंग होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे होगा, तो थोड़ा आप बताइए कैसे वो जानकारी ले सकता है, कहाँ क्या सुविधाएं उसको मिल पाएंगी इस तरीके। मैं आपको प्रॉपर बताना चाह रहा हूँ कि देखो हमारा यूट्यूब चैनल भी है आस्था रैबिट फार्मिंग के नाम से, आप उस चैनल पे जाके देखो सारी जानकारियां भी आपको मिलेगी, उस पे नंबर भी दे रखे हैं, उससे कॉल करो, कॉल से भी हम जानकारी देते हैं। दूसरी चीज हमारे बंदे को ये बोलते हैं कि भाई आप पहले आके हमारे फार्म पे देखो, क्योंकि देखने के बाद ही आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि भाई उसका पूरा प्रोसेस है कि भाई यूनिट क्या चीज़ है, वो सारी सारी हम बताते हैं। मैं बता देता हूँ, एक यूनिट में 10 रैबिट होते हैं, 7 फीमेल और 3। तो शुरू फार्म शुरू करने के लिए, एक छोटे से छोटा फार्म शुरू करने के लिए एक किसान को 10 यूनिट से फार्म शुरू करना पड़ता है। 10 यूनिट यानी 10 खरगोशों की एक यूनिट मानी जाती है, उस एक यूनिट में 7 फीमेल जो है रैबिट होते हैं और 3 मेल रैबिट होते हैं, यानी 10 यूनिट माने तो यानी 70 फीमेल जो रैबिट होते हैं और 30 मेल रैबिट होते हैं, उनसे छोटे से छोटा बिजनेस जो है एक शुरुआती तौर पर शुरू कर सकते हैं। 2000 स्क्वायर फीट उसके लिए जगह चाहिए, उसके बाद की क्या चीज़। मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो 70 फीमेल आपने बताई वो ठीक है, प्रॉपर यही है कि 70 फीमेल और 30 मेल, हम 5-5 एक्स्ट्रा और देते हैं जी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जाने में कोई मॉडलिटी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उसके लिए हम 5-5 एक्स्ट्रा और देते हैं, 5 मेल और 5 फीमेल बैकअप के तौर पर, बैकअप के तौर पर 5-5 एक्स्ट्रा दी जाती है जी। तो एक आम खरगोश और जो शुरू करने के लिए खरगोश, फार्म शुरू करने के लिए खरगोश, उसके लिए तो कोई हाइब्रिड नस्ल चाहिए होती है। बिल्कुल हाइब्रिड नस्ल चाहिए। मैं ये भी बता देता हूँ हाइब्रिड होती क्या चीज़ है जी। हाइब्रिड जिस तरह हमारे फसल में हाइब्रिड बीज होता है, उसी तरह हाइब्रिड नस्ल तैयार की जाती है, स्पेशली ये तैयार होती है। और हाइब्रिड नस्ल की मैं खासियत बता देता हूँ कि एक तो इनके बच्चों में मोडलिटी या दर कम होती जी। ग्रोथ बच्चे जल्दी लेते हैं, जो बच्चे नॉर्मल बच्चे जो ग्रोथ नो लगा लो आपका 6 महीने में 7 महीने में लेते हैं, वो ये नो लगा लो 2 किलो का वेट आपका 4 महीने में ले लेता है जी। ये हाइब्रिड होते हैं, इनमें बीमारियां बहुत कम आती है। तो ये इसको फार्मिंग के लिए स्पेशल तौर पर तैयार किया जाता है, फार्मिंग के स्पेशल फार्मिंग के लिए यूनिट है, बिल्कुल उसको तैयार किया जाता है। और क्या है चीजें, जैसे आपने जगह के लिए बता दिया, यूनिट के लिए बता दिया कितने यूनिट से शुरू होंगी, तो उसके बाद क्या चीजें और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसको चाहिए होते हैं। मैं प्रॉपर बता देता हूँ, जिस तरह हम 10 यूनिट से अगर फार्म चालू करते हैं जी, 10 यूनिट में ये 70 फीमेल और 30 मेल, 5-5 ये एक्स्ट्रा, उसके साथ हम साथ में क्या पहले उसके पास विजिट करते हैं जी, भाई उसकी जगह प्रॉपर देख के आते हैं, उस जगह में कोई दिक्कत है या आपको किस तरह से लंबाई, किस तरह की चौड़ाई, भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई होनी चाहिए, जिस तरह उसमें उमस नहीं बनेगी, हवा पास होती रहे जी। मतलब वो प्रॉपर बताते हैं कि इतनी ऊंचाई होनी चाहिए भाई, 11 फीट कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, पर प्रॉपर बताते हैं। उसके बाद लगा लो विजिट होने के बाद हम उनके पास ट्रांसपोर्ट से जालियाँ भिजवाते हैं जी। वो जालियाँ हमारे बंदे तैयार करके आते हैं, पूरा प्रोसेस है। वो तैयार करने के बाद उनको यहाँ बुलाते हैं, उनका एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद उस दिन फुल पेमेंट होने के बाद फिर माल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। डेढ़ महीने के लिए पूरी सपोर्ट आप करवाते हैं, किसान को संसाधन भी आप देते हैं, यानी पूरी जो उसको सहायता चाहिए उसके लिए कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ें आप देते हैं। आप किसी भी किसान का फार्म ये प्रॉपर तरीके से शुरू करवाते हैं, जिसको जो कुछ चाहिए, पिंजरे चाहिए, हाइब्रिड रैबिट चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, जो चीज़ें चाहते उस फार्म को शुरू करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो ये चीज़ें देते हैं। क्या उसके लिए पूरा कॉस्ट होती है, कैसे कितना, पूरा एक विस्तार से बताइएगा कि एक किसान को शुरू करने में किन किन चीज़ों में कितना खर्चा है। मैं प्रॉपर विस्तार से बताता हूँ। 10 यूनिट के लिए कम से कम आपका नो लगा ले 2000 स्क्वायर फीट आपकी जगह होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर से तैयार करवाते हैं। उसके बाद नो लगा लो हम देते हैं साथ में ट्रांसपोर्ट जी, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है हम देते हैं 3,20,000 रुपया अगर टोटल प्रोजेक्ट है, उसमें क्या हो गया, ये आपके 100 रैबिट हो गए, 5-5 एक्स्ट्रा। तो रुकूंगा एक बार, 3,20,000 रुपये दीपक जी की फर्म लेती है किसान से बिजनेस शुरू करवाने के लिए, उस 3,20,000 में इनकी तरफ से 100 रैबिट दिए जाते हैं, 5-5 एक्स्ट्रा की बात इन्होंने कही है, आपके फार्म तक ट्रांसपोर्ट दी जाती है, पिंजरे इनकी तरफ से दिए जाते हैं खरगोशों को रखने के लिए, उनके साथ पिंजरों के साथ उनकी कटोरियां और जो भी छोटे मोटे फीडर बॉक्स होते हैं वो उसके साथ दिए जाते हैं, 10 से 15 दिन के लिए दवाइयां इनको दी जाती है और ट्रेनिंग साथ में, इनके
लोग इनके जो ट्रेनर हैं वो किसान के फार्म पर जाकर 3 दिन तक उसको प्रशिक्षण देंगे, वहीं रहेंगे लगातार 3 दिन तक, उसको कैसे खरगोश की देखभाल करनी है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उनको सिखाते हैं। बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर जानकारी। उसके बाद 3,20,000 हो गया, उसके बाद लगभग माने तो 1 से 1.5 लाख रुपए सेट तैयार करने के लिए लग जाते हैं। बिल्कुल कम से कम, ठीक है। उसके बाद और क्या खर्चा होता है? उसके बाद और खर्चा मैं बता देता हूँ, लगा लो। एक तो बच्चों के लिए आपको पिंजरे अलग से तैयार करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये हर महीने बच्चे देती है। हर महीने जो है खरगोश बच्चे देंगे, 1 से 12 तक बच्चे देंगे। 1 से 12 तक बच्चे देंगे, यानी आप 70 मेल फीमेल खरगोश आपके पास एक यूनिट में शुरुआती दौर पर लेके गए हैं, और वो 1 महीने बाद अगर बच्चे देती है तो ये मानो एवरेज देखें तो 4 से 5 बच्चों की एवरेज, 5 की एवरेज मानी जा सकती। तो 70 × 5 = 350 बच्चे आपके पास 1 महीने बाद हो जाएंगे। उन 350 बच्चों के लिए कितने पिंजरों की जरूरत पड़ेगी? मैं बता देता हूँ, कम से कम नो लगा लो आपको 13 पिंजरों की जरूरत पड़ेगी। 13 पिंजरे चाहिएंगे 350 बच्चों के लिए। उन 13 पिंजरों का अलग से क्या कॉस्ट रहता है? मैं बता देता हूँ, अगर हमारे से अगर वो पिंजरे तैयार होते हैं तो नो लगा लो 3500 रुपये विद लेबर पिंजरा पड़ता है। एक पिंजरे का तैयार कॉस्ट है, तो लगभग 40-45 हज़ार रुपये के पिंजरे बच्चों के लिए मिल जाते हैं। बच्चों के लिए मिल जाते हैं। तो खाना कितना क्या रहता है, क्या कॉस्ट खाने की कॉस्ट बताता है। तो मैं एक टाइम का जो इनका खाना है वो 50 ग्राम फीड खाते हैं एक टाइम में, जी ठीक है। एक टाइम आप कानू लगा लो हरा चारा भी दे सकते हैं, जी उसमें आप कानू ला लो खर्चा कम आएगा। तो हरा चारा भी खा लेते हैं खरगोश, फीड जो है जो मुर्गियों को जो फीड दिया जाता है वही फीड खाते हैं। एक जो पूरी आपने जो है एक फार्म 10 यूनिट बताई, 10 यूनिट पे खाने का खर्चा कितना होता है दीपक जी एक महीने? मैं प्रॉपर खर्चा ना बता देता हूँ, कम से कम लगा लो आपका 10,000 खर्चा मानो एक खाने का। एक महीने के लिए 100 खरगोशों का खाने का खर्चा है 10,000 रुपए के लगभग जी, ठीक है। उस एक महीने के बाद वो बच्चे देंगे, उन बच्चों के लिए आपको पिंजरे खरीदने होंगे, पिंजरे खरीदने के बाद उनकी देखभाल करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर वो लगभग 1 किलो से ज़्यादा वेट ले लेते हैं। नहीं जी, मैं बता देता हूँ आपको जी, एक बच्चा जो शुरुआत में जब होता है उसके बाद तैयार होने का उसके पीरियड है, हम 1.5 किलो का वेट का तो पहले खरीदते हैं जी, ठीक है। उसको तैयार होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, लगभग 3 महीने लगते हैं 1.5 किलो का वेट तैयार होने में, 1.5 किलो का वेट। हाँ, 1.5 किलो का हम खरीद लेते हैं। हमारी एक कंडीशन है सिर्फ कि 1.5 किलो का वेट होना चाहिए और 350 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालने के लिए भी तो होता है ना ये जी। तो एक शुरू आपने की 10 यूनिट से, 350 आपके पास बच्चे होते हैं, लगभग 3 महीने में वो तैयार हो जाते हैं, 1 से 1.5 किलो उनका वजन हो जाता है। उसके बाद इन्हीं के द्वारा जिन्होंने आपका फार्म शुरू करवाया है दीपक जी आस्था रैबिट फार्म से, वो आपसे उन बच्चों को खरीद लेंगे लगभग जो आम तौर पर मार्केट में रेट चलता रहता है 200 से 250 के बीच, लगभग उस रेट में आपको किलो के हिसाब से वो बच्चे खरीदे जाएंगे। अगर आपके पास 350 बच्चे हैं, आम तौर पर 350 बच्चे हैं, 1 किलो से 1.5 किलो उनका वेट होता है, एवरेज 1.5 किलो आप ले लीजिए, 350 और लगभग आप लगा लीजिए 150 किलो, यानी करीब 500 किलो आपने 3 महीने के अंदर, 1 महीना उनका जन्म का और 3 महीने उनके पालन के, 4 महीने के अंदर आपने 500 किलो खरगोश तैयार कर दिए हैं। 500 किलो खरगोश अगर एवरेज 200 रुपये किलो भी बिकता है तो जो है 4 महीने बाद जब आप वो बच्चे बेचते हैं, जो 350 बच्चे उन्होंने दिए हैं वो लगभग 1 लाख रुपए के बिकते हैं, मिनिमम 1 लाख रुपए के बिकते हैं। उसके बाद जो उसके अगले महीने फिर बच्चों की जो खेप आएगी, लगभग 350 बच्चों ही वो होंगे, 1 लाख से 1.25 लाख 1 लाख के लगभग फिर वो जाएंगे, यानी कुल आप 5-4 महीने से आप इनकम शुरू कर सकते हैं, लगभग 1 लाख रुपए मंथली हो जाएगा। लेकिन उसमें से अगर आप खर्चा माइनस करते हैं, पूरे बजट का खर्चा माइनस करते हैं, तो एवरेज 40,000 रुपए एक किसान को रैबिट फार्मिंग से बचते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 6 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, 2,000 स्क्वायर फीट आपके पास जगह होनी चाहिए और प्रॉपर आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए जो कि ये उपलब्ध करवाते हैं, उनको खरीदने तक की सुविधा दीपक जी की तरफ से दी जाती है। दीपक जी ये सारी चीज़ें हो गई, किसान ने खरीद लिया, उसके बाद उसने फार्म शुरू करने के बाद क्या क्या समस्याएं उसके सामने? समस्याएं मैं बता देता हूँ, देखो चुटपुट समस्या तो आती है, लाइव स्टॉक का काम है, लाइव स्टॉक में क्या है
कि बीमारियाँ भी आती है, सारी चीज़ आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें बिल्कुल ही बीमारियाँ नहीं, बीमारियाँ हैं लेकिन नॉर्मल बीमारियाँ हैं, उनके लिए सब चीज़ों की मेडिसिन है, कोई दिक्कत नहीं है चीज़ के लिए। जी इसलिए ही तो लगा लो ज़्यादा रैबिट फार्मिंग हो रही है जी, भाई इनमें कम बीमारी। तो किसान ज़्यादातर बिल्कुल कितने पूरे बात की जाए इंडिया की तो कितने लोगों को, कितने किसानों का आप ये फार्मिंग शुरू करवा चुके? बहुत फार्म है हमारे, तुम लगा लो एमपी में भी है, अपने राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, कई पंजाब में है, आपकी तरफ से शुरू करवा, हरियाणा में है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो भी हरियाणा के अंदर ही है। तो पूरे कहाँ कहाँ आपकी सुविधाएं उपलब्ध है, अगर किसी कहीं का जो दर्शक हमारी वीडियो देख रहा है वो अगर कहीं शुरू कर सकता है, कैसे आपसे संपर्क किया जाए, कैसे पूरे इंडिया में आप सर्विस देते हैं, कैसे आप? मैं बता देता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर हम सर्विस देते हैं, कहीं भी कोई भी फार्मर फार्म कर सकता है, हम वहीं उसको सर्विस देंगे, प्रॉपर सारी जो सर्विस है वहीं पर प्रोवाइड करवाएंगे जी। तो कोई भी किसान, छोटा किसान जो खेती के साथ साथ रैबिट फार्मिंग शुरू करना चाहता है, इस बिजनेस में आना चाहता है, अच्छा पैसा, अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहता है, वो रैबिट फार्मिंग शुरू कर सकता है। रैबिट फार्मिंग शुरू करने के लिए सारी जानकारियां आप हमने आपको बताई। अगर फिर भी कोई सवाल आपका बचा है, असल तो सारे सवाल दूर हो गए होंगे, फिर भी अगर आपका कोई सवाल बचा है तो आप दीपक जी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक दीपक जी फ़ोन पर अवेलेबल रहते हैं। हरियाणा के जींद ज़िले में रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के पास इनका फार्म है, हेड ऑफिस है, आस्था रैबिट फार्म से ये फार्म चलाते हैं। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर और एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में देंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।